खून मांगता है केवल बातचीत से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी और खून मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्रांतिकारी हूँ और तो बेटा मन कमरों में इस तरह की बातें कर लेने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता। जेल में बंद की सिल्लियों पर लिटा कर सैकड़ों कूड़े एक साथ बरसाए जाते हैं, अब तो भूखा रखा जाता है, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, तब इस तरह की बातें न निकलेंगी। ये जो क्रांतिकारी बनने का जोश है ना, सब ठंडा पड़ जाएगा। अभी भी वक्त है, जाओ आओ पियो खेलो कूदो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। आज मुझे पता चला कि हम अपने काम में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर हमें अपना अपना काम करें और लोगों का हौसला तोड़ने की बजाय हौसला बढ़ाए तो ही हम आजादी पा सकते हैं। नहीं मेरी बात तो बस इसीलिए और थोड़े मेरे जोश को नहीं तोड़ सकते। पंडित जी देशभक्ति धर्म व्यवस्था देखी जाती है, ये वो पौधा है जिससे सींचा जाता है और मेरे खून को मेरे देश को मेरे खून की जरूरत है। मेरा खून निकल जाए तो मेरे खून के एक एक कतरे से बस एक ही आवाज आएगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। जरूर दोस्त, जब कुछ करने का जज्बा हो तो तू बात के बात का साथ हो जाता है। तुम्हारे रहने की हिम्मत देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। ये रामप्रसाद बिस्मिल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक समिति बनाई, आज उनकी समिति के सदस्य जी। जानते हो मगर जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि एक अंग्रेज हमारे कुछ साथियों को मार रहा, मुझसे देखा नहीं, मैंने एक ईंट उठाई और उस अंग्रेज के सर पर फेंका, साला वहीं गिर गया। सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और जेल में वहां ले जाकर मुझसे पूछा, इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के राय उमानात बली के गुलाब भाई सभागार में, जहां पर 28 सितंबर 1907 नाटक की रिहर्सल चल रही है। हमारे बीच रिहर्सल के नाटक के डायरेक्टर विनय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस नाटक में क्या खास है और पूरी तैयारी इसकी किस तरह चल रही है। श्रीवास्तव जी, ये नाटक किस पर आधारित है और इस नाटक का मकसद क्या है करने का और इसमें किस तरह से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से कलाकार जो है अपनी जो प्रतिभा को यहाँ पर निखारने आए हैं। जाहिद भाई, ये नाटक अमर शहीद सरदार भगत सिंह पर आधारित है जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, अतः शीर्षक भी यही लिया गया है। इस नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं अवसर फाउंडेशन, जिसके सर्वे सर्वा श्री भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने स्वयं रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट लिखी है और ख़ुद भी वो भगत सिंह जी की भूमिका में हैं। आज़ादी की लड़ाई में कितने शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज तो है, लेकिन जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए आज वो उन्हें मिल नहीं रहा है। उस ज़माने में भगत सिंह जी को और शहीदों को, रामप्रसाद बिस्मिल जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, राजगुरु को, सुखदेव को, अशफाक उल्ला खान साहब को आतंकवादी तक कहा गया कि ये आतंकवादी हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को ये बताना है कि जब कोई काम ठान लिया जाता है तो किस जज्बे से उस काम को शुरू किया जाए ताकि वो अपने अंजाम तक पहुंचे। ये सब के सब नौजवान थे उस उम्र में और अपनी भारत माँ को बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देख नहीं सके और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, अपने लहू से उन चरागों को रोशन किया जिसकी मशाल एक दिन बनकर बरतानिया हुकूमत को जला के राख कर देगी, ये उनमें जज्बा था। तो उनकी कठिनाइयाँ, शहीदों की जीवनियाँ, उन्होंने कैसे कैसे अपने सभी कामों को रोक कर व्यक्तिगत परिवार को भूल कर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने मकसद में कुछ हद तक ज़रूर कामयाब रहे।
श्रीवास्तव जी, आमतौर से देखा जाता है कि जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है तभी लोग शहीदों को नाम याद किया जाता है और बस एक दिन सुबह सवेरे या यात्राएं निकाली जाती है, झंडारोहण हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर जो है साल भर के लिए लोग भूल जाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि अगर हम किसी को याद करते हैं, सम्मान देते हैं, तो सम्मान हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए और सिर्फ मात्र एक दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या 28 सितंबर, इन दिनों में हम उनको याद तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर हम उन्हें याद करते हैं तो उनके जीवन चरित्र को अपने आप में आत्मसात भी करना चाहिए हमको। सफाई, स्वच्छता, डिसिप्लिन, एक सब चीज़ें जो होनी चाहिए वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए ही याद करना उचित नहीं होगा। ये नाटक कहाँ पर होगा, इसका मंचन कहाँ होगा और इसमें कुल कितने कलाकार हैं? ये नाटक राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में मंचित होगा दिनांक 28 सितंबर को और इस नाटक में तकरीबन 30 कलाकार हैं, जिसमें से नितांत तो पहली मर्तबा उतरने वाले कलाकार 5 ही अच्छे हैं और इनमें जोश है, जज्बा है, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं इनसे जुड़ा। ठीक, धन्यवाद। जैसे कि विनय श्रीवास्तव जी हमारे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य ये नाटक का मंचन करवाने जा रहे हैं, जिसकी कि रिहर्सल यहाँ पर गुलाबबाई सभागार में हो रही है। 28 सितंबर को ये नाटक का मंचन रायमनाथ बली प्रेक्षागृह में होगा। काफ़ी मंचन में काफ़ी जो यहाँ पर जो देखने को मिला, जो यहाँ कलाकार हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उनके अंदर जोश खरोश देखने को मिला है। ये जाहिर बात है, ये नाटक का जब मंचन होगा तो इसे लोग काफ़ी सराहेंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।